हेलो दोस्तों, हम लोगों के पास रेगुलरली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेरे को सीएमए इंडिया करना चाहिए कि सीएमए यूएस। दोनों ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स है, तो दोनों में से क्या बढ़िया होएगा? नाउ मैं जब ये वीडियो या जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि सीएमए इंडिया खराब है या अच्छा है या सीएमए यूएस बढ़िया है। मैं केवल ये पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आपको डिसीजन लेने में क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए। मेरा केवल यही उद्देश्य। जहां तक बात है कि मार्केट में अगर हम लोग सीएमए इंडिया करते हैं या सीएमए यूएस करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो दोनों कोर्सेज के बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बराबर ही है। अगर आप फ्रेश सीएमए इंडिया क्वालिफाइड है तो आपको 4 से 5 लाख का जॉब करीब इंडिया में मिल जाता है। तो अर्निंग पोटेंशियल वाइज दोनों कोर्सेस में एज सच कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंसेस में जाएं कि क्या करना चाहिए, क्या सोच का करना चाहिए, देन आई एम सेइंग या मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक्चुअली अगर हम बात करें ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि पहले ICWAI था, वो लोग ऑफर करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन CMA डिग्री इन इंडिया। ऐसे कि हर कंट्रीज में जनरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन ऑफर किया जाता है। ग्लोबल लेवल पे सीएमए इंस्टीट्यूट, विच इज यू कैन से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम यूएस, ऑफरिंग सीएमए यूएस डिग्री ऑन ग्लोबल बेसिस इन इंडिया, मिडिल ईस्ट, चाइना, सभी जगह ये लोग ग्लोबल बेसिस पे सीएमए डिग्री ऑफर कर रहे हैं। दोनों ही कॉस्ट अकाउंटिंग डिग्री है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटिंग, एथिक्स, ये सारे एरिया हम लोग इन दोनों कोर्सेस में कवर करते हैं। इंडियन कोर्स, इंडियन सीएमए की अगर बात करते हैं, तो इंडियन सीएमए के अंदर हम लोग रेगुलेटरी लॉ, इंडियन टैक्सेशन, ये सारी चीजें भी कवर करते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल सीएमए या कोई भी कोर्स में कवर नहीं होती। क्योंकि वेन यू आर डूइंग सीएमए इंडिया, योर फोकस इज प्योरली ऑन इंडिया। द ऑर्गेनाइजेशन विल बी हायरिंग यू for having knowledge in Indian regulation, law, taxes. But in CMA US, आप Indian regulation, Indian taxation नहीं पढ़ेंगे। आप finance पढ़ेंगे, accounts पढ़ेंगे, internal control पढ़ेंगे, ethics पढ़ेंगे, जो दोनों में common है। So CMA India के अंदर Indian context वाला regulatory area बहुत rigorously covered। Mostly जब हम लोग CMA India करते हैं और अगर हम practice में जाना चाहते हैं, तो हमें कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, वैट ऑडिट, ये सब करने का ऑप्शन है, जो कि सीएमए यूएस करने के बेसिस पे ऑप्शन नहीं है। बट जस्ट मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, लेस देन 2% प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन प्रैक्टिस में जाते हैं, 98% से ज्यादा लोग जॉब में जाते हैं। और आपको पता होगा कि कॉस्ट ऑडिट वगैरह इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जरूरी है, जिनका टर्नओवर बहुत हाई है, तो वैसी कंपनियां बहुत कम है। So scope of practice on the basis of CMA India is less. All the students, when they qualify CMA India, they go for job. And as far as job, there is no difference in as such earnings. But agar aap CMA US karte hain, to aapko regulatory area mein India mein job nahin milega. Aapko tax, law, ye sab area mein CMA US ke basis pe opportunity India mein nahin milegi. Agar hum log exams ki baat karein, CMA US ke andar in total 20 पेपर्स हैं। फाउंडेशन के अंदर 4, इंटरमीडिएट में 8 और फाइनल में 8, टोटल 20 पेपर्स का एग्जाम होता है। सीएमए यूएस के अंदर 2 एग्जाम्स हैं, 2 पार्ट्स एग्जाम, 2 एग्जाम होते हैं। अगर आप बहुत ही इफिशियंट स्टूडेंट हैं, तो सीएमए इंडिया आप 2.5 से 3 साल के अंतराल में इजिली कर सकते हैं। 6 महीने में आपने सीएमए फाउंडेशन दिया और 1-1 साल में आप इंटर और फाइनल का एग्जाम दोगे। लेकिन अगर आप इफिशियंट स्टूडेंट हैं, तो सीएमए यूएस आप 3 से 6 महीने में इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली सीएमए इंडिया करने में एवरेज 4 से 5 साल लगते हैं और सीएमए यूएस करने में 6 से 8 महीने एवरेज में लगते हैं। सीएमए इंडिया का एग्जाम आपको पता होगा साल में 2 बार ही होता है, जून और दिसंबर, तो एग्जाम की फ्रीक्वेंसी कम है। कि आपने कभी एग्जाम दिया, नहीं क्लियर किए या एग्जाम नहीं दे पाए कोई कारण से, तो आपका पूरा साल खत्म हो जाता है, इसीलिए 4 से 5 साल लगते हैं। लेकिन सीएमए यूएस में एग्जाम्स साल में 6 महीना होता है, ऑन डिमांड एग्जाम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो कोई भी सूरत में आपका कोर्स 1 साल से कोई भी हाल में ज्यादा नहीं लगेगा। विद इन 1 ईयर यू विल बी एबल टू कंप्लीट। सीएमए इंडिया का एग्जाम कॉपी पेन बेस्ड होता है,
सीएमए यूएस का एग्जाम फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, एम्प्लॉयर्स को आजकल कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज्यादा चाहिए, तो सीएमए यूएस या कोई भी इंटरनेशनल कोर्स कंप्यूटर लिटरेसी पे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे फोकस करते हैं। इंडियन कोर्सेस फोकस कर रहे हैं कॉपी पेन बेस्ड एग्जाम। अब ध्यान दीजिए कि कोई भी इंडियन कोर्स, चाहे इंडिया का सीएमए हो या और कोई भी इंडियन कोर्स, इंडिया के बाहर रन नहीं करते हैं। इसका दो कारण है, बिकॉज उनको वो सुविधा नहीं है कि वो बाहर से वो इंडियन कोर्स ज्वाइन कर पाए, और साथ में अगर वो ज्वाइन करेंगे भी और ये 4 से 5 साल देना, उसके बदले जो इंसेंटिव है वो उनको नहीं मिलता है। सो नोबडी आउटसाइड इंडिया इज डूइंग इंडियन कोर्सेस, बट बाहर के कोर्सेस इंडिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर, सभी जगह रन करते हैं। और सीएमए यूएस इज डूइंग रिग्रेस मार्केटिंग एंड यू कैन सी डेवलपिंग देयर कोर्स, देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप ब्रांड वैल्यू में जाएंगे तो इंडियन सीएमए हैज अ ब्रांड वैल्यू इन इंडिया, बट सीएमए यूएस हैज अ ब्रांड वैल्यू अदर देन यूएस, इन मिडिल ईस्ट, इन इंडिया, चाइना, ये सब कंट्रीज में उनका एग्जिस्टेंस ब्रांड वैल्यू बहुत हाई। सीएमए यूएस के अंदर पास परसेंटेज अराउंड 50% करीब होता है एवरेज में। सीएमए इंडिया में अगर हम लोग फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल सबको लें तो पास परसेंटेज अराउंड 10-20% होता है। अगर हम लोग खर्चे की बात करें, सीएमए इंडिया में इंस्टीट्यूट का कॉस्ट है 50,000 इंटर फाउंडेशन फाइनल को लेकर, और अगर आप ट्यूशन क्लासेस, अगर ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो इन टोटल 1.5 लाख रुपए ट्रेनिंग क्लासेस का भी करीब लग जाता है, तो आपका खर्चा 2 लाख करीब पड़ता है अगर आप सीएमए इंडिया का कोर्स कंप्लीट करते हैं 4 से 5 साल में एवरेज। लेकिन सीएमए यूएस में अगर आप नॉर्मली, जैसे हम लोग सीएमए ज्वाइन करते हैं 12th class 12th class पास होने के बाद, वैसे ही अगर हम सीएमए यूएस ज्वाइन करते हैं तो आपका खर्चा पड़ेगा इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग क्लासेस सब लेकर 1,20,000। और अगर आप प्रोफेशनल है, इन द सेंस आप ग्रेजुएट है और उसके बाद सीएमए यूएस कर रहे हैं, तो आपको वही 6 से 8 महीने लगेंगे, आपका खर्चा 1,40,000 रुपया करीब पड़ेगा सब कुछ मिलाकर, इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग क्लासेस सब लेकर। मतलब अगर अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो दोनों में अर्निंग पोटेंशियल जॉब वाइज बराबर है, लेकिन आपको सीएमए इंडिया करने के लिए 4 से 5 साल लगने हैं और सीएमए यूएस करने में आपको 6 से 8 महीने, मैक्सिमम 1 ईयर लगना है। सीएमए इंडिया करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, बिकॉज रिग्रेस स्टडी है, टैक्स लॉ इंडिया का जानना है। सीएमए यूएस में आपको वो एरिया में नहीं जाना है, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी, लेकिन आप 6 से 8 महीने में कोर्स कंप्लीट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको सोचना है कि आपको अपना कैरियर किस दिशा में ले जाना है, क्या चीज आपके लिए बेटर होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स में सीएमए यूएस कोर्स बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं रिसेंटली 5 से 7 सालों में। आप भी सोशल मीडिया में होंगे, आपने ध्यान दिया होगा किस तरह से इंस्टीट्यूट जॉब और मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ जानना हो, हमारा YouTube पे वीडियो है स्कोप ऑफ सीएमए यूएस इन इंडिया एंड अब्रॉड, आप उस वीडियो को देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज हमारे से कनेक्ट करिए और ये वीडियो दूसरे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करिए, जिससे दे कम टू नो कि उनको क्या करना चाहिए, व्हाट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर देयर लाइफ, कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आप उनसे कनेक्ट करिए, हमारे से कनेक्ट करिए, वी विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग। थैंक यू।